भाई दोस्तों, कन्हैया स्टूडियो, कन्हैया फिल्म सिटी, दीपक सेठ जब भी लेकर आते हैं कुछ नया आते हैं, जब भी देते हैं कुछ नया देते हैं, कोशिश ये रहती है कि हमारे तमाम चाहने वालों को कुछ वो चीज़ दें जो उनके दिल को गुदगुदाए, उन्हें एहसास हो कि हमें कुछ नया मिला है। और मैं यानी कि गोविंद सिंह गुल, इनके साए में अब हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसी कॉमेडी जो साज के साथ चलती है। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों से अगर शैतानियों को छीन लो तो फिर उनके पास क्या बचेगा। आजकल घर का माहौल भी ऐसा चल रहा है कि हर इंसान बिजी है। बच्चे जब राम बनते हैं, जब बाप दशरथ हो, अगर बाप रावण है और ये कल्पना करे कि हमारी औलाद राम हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टीचर ने एक बच्चे से कहा, बेटा जब कल स्कूल आओ ना तो बढ़िया सी कविताएं याद करके लाना। अब बच्चा घर पहुंचा, पिताजी के पास टाइम नहीं। डैडी मम्मी टीचर ने कविताओं, नहीं बेटा मुझे किटी पार्टी में जाना है। बेटा मुझे ऑफिस जाना है। बेटा मेरे पास टाइम नहीं। लड़के ने एफएम लगा दिया, कुछ गाने आ रहे, लिख लिए कि यही कविताएं हैं। सुबह बड़ा खुश स्कूल पहुंचा, टीचर ने खड़ा किया। हाँ बेटा चिंटू कविताएं याद की? अरे मेरे को याद है टीचर जी, बरोबर मेरे को याद है। चलो बेटा सुनाओ पहली कविता। उसने टीचर की आंखों में आंखें डाली और बड़े प्यार से मुस्कुराता हुआ जो गाने उसने लिखे थे जिन्हें वो कविताएं समझ रहा था, पहली कविता शुरू की। टीचर क्या है पहली सुनाओ। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे पचाती झटके। तेरा अंग है नतीला, रंग रंग है नतीला, अंग है नतीला, रंग रंग है नतीला। चुप चुप, क्या है क्या है? कविता है और क्या है? अब आपकी समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं? अरे बेटा तुमने ये क्या किया? बेचारे ने डरते हुए दूसरी कविता शुरू की। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं से दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अपना करूं, तुझी से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अपना डरूं। और क्या है? अब आपकी समझ में ही नहीं आ रही। अरे बेटा कोई बढ़िया कविता सुनाओ, आखिर तुम क्या चाहते हो? डरते हुए सुना एक और शुरू की। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। अभी तुम्हारी शिकायत करके आती हूँ प्रिंसिपल साहब से। डर गया? पर टीचर जी मेरे को और भी याद है। नहीं 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 तुम नहीं मानोगे, मैं शिकायत करके आती हूँ। टीचर आगे चिंटू पीछे, एक कविता और याद थी, बेचारा शुरू हो गया। टीचर क्या है? कहाँ रूट के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, बिल्कुल भैया था। उसने तीन लड़के बुलाए। राजू मोहन इधर आओ, इसके कपड़े उतारो, क्लास में ऐसे ही खड़ा करो। चिंटू के कपड़े उतारे, ऐसे ही खड़ा कर दिया बेचारा खड़ा। टीचर एक आखिरी। नहीं नहीं अब नहीं, सारा दिन ऐसे ही खड़े रहोगे, तुमने दिमाग खराब कर दिया। नहीं टीचर एक और। चलो चलो सुनाओ। साहब चिंटू ने अपने आप को देखा, क्लास को देखा और शुरू हुआ आखिरी है। ठीक है सुनाओ। बार बार देखो, हजार बार देखो, जो देखने की चीज है हमारा दिल पाता है।
इंटरनेट जिंदगी का वो पहलू बन चुका है जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है, हमारे साथ चल रहा है, हमारी जिंदगी के साथ चल रहा है, हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो इस इंटरनेट पर देखिए आप कन्हैया कैसेट चैनल, तमाम तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके लिए लेकर आता है। सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रोग्राम के लिए संपर्क करें कन्हैया कैसेट, दीपक सेठ, 9415057604।